नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और ज़बरदस्त प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ। और प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो ये प्रॉपर्टी आप सामने की तरफ देख लीजिए, कितना खूबसूरत सा फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो JDA अप्रूव्ड है और आपके बजट में होने वाला है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स अभी ये चाह रहे थे कि हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाइए जिसका बजट हो कम, JDA अप्रूव्ड हो, साथ ही 3BHK फुली डुप्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि सेमी डुप्लेक्स उनको नहीं चाहिए। तो ऐसी एक प्रॉपर्टी मैं लेकर के आ गया हूँ जो कि ईस्ट फेसिंग के मकान के साथ होने वाली है। साथ ही पूरी ही वास्तु के हिसाब से बनी हुई है। आसपास का पूरा सराउंडिंग एरिया देख लीजिए, किस तरीके का सराउंडिंग एरिया आपको मिल जाता है। और पास में ही आपको सभी प्रकार की सुविधाएँ मिल जाती है। बात की जाए हॉस्पिटल की, स्कूल की, या फिर मेन मार्केट की बात की जाए तो सारी ही सुविधाएँ यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब बात करें यहाँ से अगर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की, तो उनका डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो 15 से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोनों ही अवेलेबल हो जाते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करूँ यहाँ से तो 32 नंबर, 7 नंबर और 24 नंबर बस जो कि आपको मेन सिटी की तरफ लेकर के जाती है। देखिए JDA अप्रूव्ड है तो ईजिली यहाँ पर आपको जो है 90% लोन हो जाता है। फ्रंट एलिवेशन आप देख चुके हैं, कितने खूबसूरत तरीके का फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का मेन एंट्रेंस आपको दिया गया है जो कि आयरन का है। साथ ही यहाँ पर डीको स्प्रे करने के बाद में पेंट यहाँ पर आपको करके दिया गया है। और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है ये इसके पॉर्च का एरिया जो कि सच में बहुत ही प्यारा है। आप इजीली अपनी सेडान कार तक इजीली पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है जहाँ पर अपनी बाइक वगैरह पार्क करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। इस तरफ आप देखेंगे बड़ी सी विंडो का प्रोविजन आपको दिख रहा है जो कि आपको आपके किचन से वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है ये टैप आपको लगा करके दिए गए हैं। आप चाहे वॉशिंग एरिया की तरह इस जगह को यूज़ में ले सकते हैं। इस तरफ आपको मिल जाता है वाटर टैंक प्रोविजन जो कि 6000 कैपेसिटी का आपको मिल रहा है। मकान की आप हाइट देख लीजिए, कितनी बढ़िया हाइट यहाँ पर आपको मिल रही है। साथ ही इस तरफ आप देखेंगे मीटर्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल है जहाँ पर आपको मीटर इंस्टॉल करवा सकते हैं। और सामने की तरफ आप देखेंगे वहाँ पर बड़ी सी विंडो का प्रोविजन आपको मिल रहा है जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये शू रैक आपको बना करके दिया गया है। प्राइस मैं आपको अभी बता देता हूँ, प्राइस होने वाला है इसका 40 लाख रुपए। और चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को परचेस करना तो कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ जाकर के आप बिल्डर या सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। वैसे सारी ही जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ साझा करने वाला हूँ, लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं इसके हॉल के अंदर। और हॉल के मैं साइज़ की बात करूँ तो 12x18 के साइज़ में हॉल का साइज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है वॉल पे जो है प्यारा सा टेक्सचर डिजाइन दिया गया है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे वहां पर एसी का सेपरेट पॉइंट आपको मिल जाता है। और जस्ट ऊपर देखेंगे तो वहां पर आपको फुल सीलिंग का प्यारा सा डिजाइन मिल रहा है। पूरी फुल सीलिंग का डिजाइन एक बार ऐसे करके देख लीजिए आप, तो आपको कैसा दिखेगा। फुल सीलिंग का डिजाइन देखिए, और ऊपर की साइड में भी ये जो कॉम्बिनेट करते हुए आपको यहाँ पर मिल जाता है इसका टेक्सचर डिज़ाइन। आपको बीच में दिया गया है सीलिंग फैन का ऑप्शन। नीचे की तरफ आप स्टेयर्स पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको पार्टीशन बना करके दिया गया है जहाँ पर आपका जो भी डेकोरेटिव आइटम है वो रख सकते हैं। LED पैनल यहाँ पर आपको मिल जाता है तो 32 इंच तक का LED इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। सामने की तरफ इस साइड में आपको वॉश बेसिन आ जाता है और ये यहाँ पर बना करके दिया गया है इसका स्टोर रूम। तो आपका जो भी सामान वगैरह हो यहाँ पर आप रख सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपको ऑकवर्ड फील नहीं कराने वाला है। आपका जो भी सामान वगैरह हो, अनसेक्शन सामान है, मंथली वाइज यूज़ आता है जैसे सिलेंडर्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, उसको आप इसके अंदर रख सकते हैं। और मकान की आप हाइट देख रहे हैं तो हाइट आपको देख के समझ में आ रहा होगा कितना प्यारा सा हाइट यहाँ पर मकान का मिल रहा है। सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा सा विंडो का प्रोविज़न है जहाँ से प्रॉपर आपका वेंटिलेशन सनलाइट यहाँ से होता रहेगा, क्योंकि बड़ा सा बीच में आपको गेट भी है और साथ ही टफन ग्लास के साथ में इसे कवर करके दिया गया है। 100 गज में ये बना हुआ है। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर डायमेंशन की तो 15x60 का डायमेंशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सामने की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किचन की तो किचन का साइज़ भी बहुत ही प्यारा सा है। और किचन का जो साइज़ है यहाँ पर मिल जाता है आपको 6.5x10 का एल शेप में किचन बना करके दी गई है। नीचे के साइड में प्रॉपर कैबिनेट्स हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है ये इसका सिंक का एरिया जहाँ पर अपने बर्तनों को इजीली वॉश कर सकते हैं। इस तरफ आपको बड़ा सा कैबिनेट का ऑप्शन है। सामने की तरफ देखेंगे बड़ी सी विंडो का प्रोविजन दिया गया है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। यहीं पर आपको मिल जाता है फ्रिज रखने का ऑप्शन जहाँ पर आपका फ्रिज आप इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके फर्स्ट बेडरूम की ओर जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर पर अवेलेबल है। देखिए JDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है तो 90% लोन ईजिली यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर आप भी चाह रहे थे ऐसी एक प्रॉपर्टी लेना तो आप कॉल कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बताऊं कि कहां पर लोकेटेड है तो ये कालवा रोड पे लोकेटेड है जो कि मंगलम सिटी के अंदर लोकेटेड है ये। और मेन रोड से अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहां पर अगर इस एरिया में बात करूं ये 4x6 के स्पेस में है। यहीं पर इसका कॉमन बाथरूम आ जाता है। बाथरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 9x5 के साइज़ में काफ़ी बड़ा सा बाथरूम। वहाँ से वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको अवेलेबल है जहाँ पर आपको होल दिख रहा होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। और साथ ही यहाँ पर आपको इंडियन शीट लगा करके दी गई है।
स्पेस अच्छा दिया गया है यहाँ पर। और अभी मैं बेडरूम दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे 100 गज के अंदर इतना बड़ा बेडरूम कैसे पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है क्योंकि जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है उसका एक बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। 14x10 के साइज़ में यहाँ पर बेडरूम मिल जाता है। सामने की साइड में देखेंगे यहाँ पर आपको दिया गया है ये टेक्सचर डिज़ाइन। ऊपर की तरफ देखेंगे वहाँ पर फुल सीलिंग का प्यारा सा डिज़ाइन आपको अवेलेबल है, साथ ही LED कॉब्स लगा करके दिए गए हैं। फैन का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इस साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर वार्डरोब का स्पेस। यहाँ पर बिल्डर की तरफ से एक आपको ऑफर भी मिलता है RO गीजर चिमनी, और यहाँ पर एक मोटर सबमर्सिबल मोटर यहाँ पर आपको दी जाएगी जो कि बिल्डर की तरफ से दी जाएगी। 40 लाख रुपये होने वाला है प्राइस। सामने की तरफ आपने देखा वॉल पे कितना प्यारा सा डिज़ाइन है। और यहाँ पर अगर बात करूँ डोर्स की, तो डोर्स की क्वालिटी भी आप देखेंगे तो बहुत ही प्रीमियम होने वाली है। सनमाइका काफ़ी अच्छी यहाँ पर यूज़ में करके दी गई है। इस रूम के साथ में भी आपको बड़ा सा विंडो का प्रोविजन आपको मिल रहा है जो कि यहाँ पर गोल्डन शेड के साथ में पेंट करके दिया गया है। सच में इस रूम को पूरे को 4 चांद लगाता है। वार्डरोब भी यहाँ पर आपको मिल रही है जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आया था इसका बैकयार्ड का एरिया साइज की अगर बात करूँ तो 14x3 के साइज में यहाँ पर बैकयार्ड का एरिया मिल जाता है। पीछे आपको प्रॉपर गेज लगा करके दिया गया है तो बर्ड्स वगैरह नहीं आए, गंदगी वगैरह नहीं फैलाएंगे, साथ ही एज अ सेफ्टी पर्पज भी ठीक रहता है। यहीं से होते हुए अब मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पर। लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अच्छा एक आर्किटेक्ट ढूंढ रहे हैं तो JKS आर्किटेक्ट आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनके नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं, वहां जाकर के आप उन्हें भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आर्किटेक्ट की आपको जरूरत है तो आप उनको जरूर कॉल कीजिएगा, नंबर नीचे प्रोवाइड कराए गए। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पर और वहां पर दिखाऊंगा किस तरीके का ये बना हुआ है। तो आ जाइए चलते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर। लेकिन अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं वो भी बहुत ही आसान तरीके से, या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्टॉक आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, उस लिंक के द्वारा आप स्टॉक को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर किसी को रेफर करते हैं तो वहां पर 400 रुपये से लेकर के 800 रुपये तक का जो है आपको रेफरल इनकम कमा सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देख लीजिए फुल सीलिंग का प्यारा सा डिज़ाइन है। सामने की तरफ आपको मिल जाता है यहाँ पर टेक्सचर वर्क, और 10x18 के साइज़ में हॉल का साइज़ अवेलेबल हो रहा है। देख रहे हैं कितना प्यारा साइज़ है। और यहाँ से मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके कॉमन बाथरूम की ओर जो कि इस तरफ में है। 9x5 के स्पेस में आपको मिल रहा है। सामने आप देखेंगे वहाँ पर आपको प्रॉपर फिक्स ग्लास लगा करके दिया गया है ताकि प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहे। यहाँ पर आपको वेस्टर्न शीट लगा करके दी गई है। टाइल्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे सच में बहुत प्यारा सा है। ये आ जाता है यहाँ पर इसका शावर एरिया, और 9x5 के साइज में स्पेस आपको अवेलेबल है। यहाँ से मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इसके ये इसका सेकंड बेडरूम है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर है। 14x10 के साइज में आपको मिल रहा है। सामने की तरफ देखेंगे टेक्सचर डिज़ाइन, ऊपर की तरफ देख लीजिए फुल सीलिंग का प्यारा सा डिज़ाइन जो कि वुडन टेक्सचर के साथ में आपको मिल रहा है। इस साइड में मिल जाती है बड़ी सी विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। यहाँ पर आ जाता है ये इसका वार्डरोब का स्पेस जो कि आपके कपड़े वगैरह इजीली आप रख सकते हैं। एसी का पॉइंट भी यहाँ पर आपको दिया गया है इस तरफ में। और यहाँ पर आ जाता है इसका ये बैकयार्ड का एरिया जो कि 3 फीट की बालकनी के साथ में अवेलेबल है। 3x14 का साइज मिल जाता है। उस तरफ भी आपको टैप लगा करके दिया गया है। वॉशिंग एरिया की तरह इस जगह को आप यूज़ ले सकते हैं, रूफ वगैरह लगा करके कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। यहीं से होते हुए मैं लेकर के चलूँगा इसके थर्ड बेडरूम की ओर। लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे नए चैनल AR डिज़ाइन को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस घर का भी नक्शा वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कराया है, वहाँ जा करके विजिट कर लीजिएगा। वेबसाइट विजिट नहीं किया तो वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर भी लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। 14x10 के साइज में फिर से एक और बेडरूम। सामने की साइड में टेक्सचर डिज़ाइन, ऊपर की साइड में POP के साथ में भी आपको टेक्सचर डिज़ाइन मिल रहा है। AC का पॉइंट यहाँ पर आपको अवेलेबल है। इस साइड में भी आप देखेंगे वार्डरोब का स्पेस है, मतलब तीनों ही रूम्स के साथ में आपको वार्डरोब मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। 40 लाख रुपये में JDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, वो भी जयपुर शहर के अंदर मिल जाए तो और क्या चाहिए। इस तरफ आप देखेंगे बड़ी सी विंडो का प्रोविजन जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। यहाँ पर मिल जाती है 4 फीट की बालकनी जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4x14 के स्पेस में मिल रहा है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे कितना प्यारा सा वर्क ऊपर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से देख लीजिए कॉलोनी का आसपास का पूरा सराउंडिंग एरिया, पूरा डेवलपमेंट यहाँ पर हो रखा है जो कि मंगलम सिटी के अंदर ये लोकेटेड है। मेन रोड से बात की जाए तो 1 किलोमीटर लगभग इतने ही डिस्टेंस में आपको ये मिलता है। तो ये मैंने आपको दिखाया 100 गज में बना हुआ एक प्यारा सा खूबसूरत सा JDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। हमारे अगर इस घर का नक्शा देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल AR डिज़ाइन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा एक आर्किटेक्ट ढूंढ रहे हैं तो JKS आर्किटेक्ट आप उन्हें भी कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर भी लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं रेफर करके या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्टॉक उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ जाकर के आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके रेफरल इनकम जो है कमा सकते हैं। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।